गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। सो बच्चे, आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन यानी कि इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ना। इससे पहले वाला चैप्टर क्या था हमारा? नेमिंग वर्ड्स। हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़ा था चैप्टर 2 में। अब हम पढ़ेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स। बेटा, नेमिंग वर्ड्स जो हमने पढ़े थे वो क्या थे? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, है ना। हमने यही पढ़ा था कि किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम और किसी भी एनिमल का नेम क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। अच्छा बच्चों, आपको याद है नेमिंग वर्ड्स का एक और भी नेम था? क्या नेम था? याद कीजिए, याद कीजिए। याद आया? मैं बताती हूँ। था उसका नेक्स्ट दूसरा नेम था नाउन, था ना, बताया था ना मैम ने आपको। सेकेंड नेमिंग वर्ड्स को और भी क्या कहते हैं हम? नाउन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं नाउन के दो टाइप्स पढ़ेंगे या फिर इसी नेमिंग वर्ड के हम दो टाइप पढ़ेंगे। दो अलग-अलग टाइप के होते हैं ये नेमिंग वर्ड्स। कौन-कौन से? कॉमन नेमिंग वर्ड्स एंड प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स। ओके, दो कौन से टाइप होते हैं नाउन्स के या नेमिंग वर्ड्स के? कॉमन नेमिंग वर्ड्स एंड प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, हम इसी के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में कि कॉमन नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं और प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, देख चलिए आगे देखते हैं क्या है चैप्टर में। यहाँ पे देखिए बेटा, एक पिक्चर बनी हुई है। एक क्या है ये? आप इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगाइए कि ये किस चीज की, किसकी पिक्चर है ये? ये एक गर्ल की पिक्चर है ना। और ये किसकी पिक्चर है? ये एक बॉय की पिक्चर है। देखिए ये गर्ल क्या कह रही है? हाय, आई एम अ गर्ल। ये कह रही है कि हाय, मैं एक लड़की हूं। माय नेम इज नीता। इसका क्या नेम है? इस गर्ल का क्या नेम है? नीता। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं ये बॉय क्या कह रहा है। ये बॉय कह रहा है हाय, आई एम अ बॉय। हाय, मैं एक लड़का हूँ। माय नेम इज अर्जुन। मेरा नाम क्या है? इसका क्या नेम है? इस बॉय का नेम है अर्जुन। माय नेम इज अर्जुन। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ यहीं से हमें पता चल जाएगा कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है, या फिर कॉमन नेमिंग वर्ड क्या होता है या और प्रॉपर नेमिंग वर्ड क्या होता है। देखिए देखिए, इस गर्ल ने पहले क्या कहा? आई एम अ गर्ल, मतलब ये एक लड़की है। तो जो लड़की है बेटा, लड़की वर्ड क्या है? कॉमन है तो ये नाउन ही, क्योंकि ये किसी पर्सन का नेम है, किसी पर्सन को ही कहते हैं ना हम गर्ल। तो वो क्या हो गया? नाउन तो हो गया, बट कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल्स बेटा बहुत सारी होती है ना। गर्ल एक तो नहीं होती बेटा। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मैं फिंगर से लिख रही हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया? कॉमन, कॉमन नेमिंग वर्ड। और उसके बाद इस गर्ल ने क्या कहा कि माय नेम इज नीता। इसका क्या नेम है? नीता। ठीक है, तो नीता क्या हो गया बेटा? नीता है प्रॉपर नाउन। ओके, नीता इज अ प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि हमें इससे प्रॉपरली पता चल गया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। इसी गर्ल का नेम क्या है? नीता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पेसिफाई हो गया हमें कि यही नीता है। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही इसमें भी देखिए, बॉय, जो बॉय है वो तो कई सारे, बहुत सारे बॉयज हैं इस दुनिया में। कितने सारे बॉयज हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में ही देख लेते हैं। आपकी क्लास में भी अगर मैं किसी को बोलूंगी
बॉय कम हेयर, तो बॉय तो जितने भी क्लास में बॉयज हैं उसको उनको पता तो चलेगा ही नहीं कि कौन किस बॉय को मैम बुला रही है ना। बट अगर आपकी क्लास में अर्जुन है तो मैं बोलूंगी अर्जुन कम हेयर, तो अर्जुन आएगा है ना, सारे बॉयज तो नहीं आएंगे। तो इससे ये क्या हुआ, अर्जुन क्या हुआ प्रॉपर नाम और बॉय क्या हुआ कॉमन नाम। ओके चलिए गॉट बेटा, इट। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर कुछ हमें चाइल्ड की पिक्चर दिख रही है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर मैम ने बुलाया चाइल्ड, चाइल्ड कम हियर। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे चाइल्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चाइल्ड हैं। तो ये कैसे पता चलेगा इन 6 चाइल्ड्स को, चिल्ड्रन को, कि मैम ने किस चाइल्ड को बुलाया है। अब चाइल्ड को बुलाया है तो इसका मतलब किसी एक को ही बुलाया है। अगर मैम बोलती चिल्ड्रन कम हेयर तो ये सभी चले जाते, बट यहाँ पे तो मैम ने बोला है चाइल्ड कम हेयर, तो बेटा कौन सा चाइल्ड जाएगा, ये कैसे पता चलेगा हमें कि मैम ने किस चाइल्ड को बुलाया है। तो इस ये क्या हो गए, ये तो सब कंफ्यूज हो गए ना कि कौन से चाइल्ड को मैम बुला रही है। चलिए आगे देखते हैं, तो इससे हमें क्या चलता है, क्या पता चलता है बेटा, कि ये जो चाइल्ड है ये कॉमन नाउन है। देखिए ये चाइल्ड क्या हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि ये बहुत सारे चाइल्ड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे चिल्ड्रन को डिनोट कर रहा है। चाइल्ड को से हमें पता नहीं चलेगा कि किस स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। जब मैम बोलेंगी हे चाइल्ड तो सभी चाइल्ड बोलेंगे यस यस यस, कौन से चाइल्ड को बुला रही है किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना। फिर क्या होगा बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैम ने बोला हे चैंग, चैंग बोला मतलब चैंग क्या है बेटा, चैंग किसी एक चाइल्ड का नेम है इन 6 चाइल्ड में से, और वो चाइल्ड कौन सा है ये, ठीक है, इसका नेम क्या है चैंग। तो मैम ने जब बोला हे चैंग तो इस चैंग ने क्या कहा, यस मैम। ओके तो ये क्या हो गया, चैंग क्या हुआ प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम बोलते हैं तो वो क्या होता है प्रॉपर नाउन। और ये भी याद रखना है बेटा, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों नहीं आ रहा। आपको ये तो पता ही है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बट अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो सेंटेंस के बीच में भी अगर लिखा हुआ है तब तब भी हम उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर हमें हमें ये पता चल गया है कि चैंग क्या है प्रॉपर नाउन, है ना। इसके बाद देखते हैं क्या है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है हमें। यहाँ पर देखिए दिस इज अ बॉय, ये क्या है एक लड़का है, लड़के की फोटो बनी हुई है ना। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ डॉग, ये क्या है ये एक डॉग है ना। डॉग पता है ना आपको क्या होता है, किसी किसी के घर में ये पेट भी रखा जाता है। दिस इज अ डॉग, दिस इज अ फोर्ट, ये क्या है फोर्ट, फोर्ट क्या होता है, फोर्ट कहते हैं हम किले को, ठीक है, जो कोई किला होता है ना पुरानी इमारत उसको हम कहते हैं फोर्ट, ठीक है, तो दिस इज अ फोर्ट। ओके आगे देखते हैं, ये बेटा हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके दिस इज अ कार, ये एक कार है, ठीक है। सो बेटा जो ये चारों चीजें मैंने आपको बताई, बॉय बॉय पर्सन का नेमिंग वर्ड, पर्सन का नेम होता है बॉय, डॉग एनिमल का होता है नेम, है ना, फोर्ट किसी जगह का नाम है, कार किसी थिंग का नेम है, राइट। तो ये सब क्या है, ये तो हमें पता चल ही गया कि ये नेमिंग वर्ड्स हैं, ये सब क्या है कॉमन नेमिंग वर्ड्स,
कॉमन नेमिंग वर्ड्स क्यों है ये? क्योंकि ये पूरी जनरली पूरी कम्युनिटी के लिए डिनोट होता है। अब देखिए बॉय जो है, कितने सारे बॉय हैं इस दुनिया में, है ना, सबको डिनोट कर रहा है। डॉग बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं पूरी दुनिया में, है ना। फोर्ट, फोर्ट भी बहुत सारे हैं। कार, कार भी बहुत सारी है। तो ये जनरल नेम नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन्स। ओके, नाउ अगर हम उसी में ही देखें, दिस बॉय इज जिमी, दिस इज जिमी, हिज नेम इज जिमी। ओके, दिस इज जिंजर, इस डॉग का क्या नेम है, जिंजर। इस डॉग का जो हमने पहले देखा था, अब हमें स्पेसिफाई हो गया कि इसका नाम क्या है, जिंजर। ओके, एंड दिस इज रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहाँ पर है, लाल किला, आपने सुना है ना, रेड फोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये क्या है, रेड फोर्ट है। ओके, नाउ दिस इज होंडा सिटी, इस कार का क्या नेम है, होंडा सिटी कार है ये। आपके घर में कोई और कार होगी, ये वाली कार क्या है, होंडा सिटी है, ठीक है। हमें स्पेसिफाई हो गया कि ये कार कौन सी है। सो बेटा, जहां पर हमें स्पेसिफाई हो जाए कि इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, जिस चीज का, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाम, ठीक है। इस पर्सन का जो बॉय था, उसका हमें पता चल गया कि उसका नेम क्या है, जिमी। इस एनिमल का जो डॉग था, पहले हमने देखा था डॉग बुला रहे थे हम उसे, उस डॉग का नेम है जिंजर। तो ये जिंजर क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया, ठीक है। हमने देखा था पहले फोर्ट देखा था, अब हमें पता चल गया कि वो रेड फोर्ट है, उस फोर्ट का एक स्पेसिफिक नेम है रेड फोर्ट, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रेड फोर्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। फोर्ट क्या है, कॉमन नाउन। कार क्या है, कॉमन नाउन। और होंडा सिटी क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। समझ आ गया आपको, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा बेटा इससे, इन एग्जाम्पल से। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कोई इश्यू नहीं है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है। अब फ्यू मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास प्रॉपर नाउन के, ठीक है। किसी भी सिटी का नेम, सिटी का नेम, शहर का नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मुंबई, दिल्ली, बहादुरगढ़, ये सब किसी सिटी के नेम है, तो ये क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। किसी भी डेज का नेम, ठीक है, डेज क्या होते हैं या मंथ क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है बेटा, फ्राइडे लिख लीजिए, यहाँ पर फ्राइडे देख सकते हैं हम, फेब्रुअरी तो मंथ का नेम होता है ना। माई हैंड राइटिंग इज ओके, लेट मी रेज दिस फर्स्ट, वी कैन राइट फ्राइडे हियर। ओके, किसी भी डे का नेम, फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, फ्राइडे। ओके, किसी भी मंथ का नेम, ओके, मंथ का नेम क्या होता है, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ के नेम होते हैं, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। किसी फेस्टिवल का नेम, फेस्टिवल का नेम जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, यहाँ पे क्रिसमस का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। किसी बुक का नेम, बुक का नेम क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है द जंगल बुक, आपकी जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश फेरी, वो भी एक प्रॉपर नाउन है। बेटा जब हम बुक कहेंगे तो कॉमन नाउन होगा, जब हम बुक का नाम बताएंगे तो प्रॉपर नाउन होगा, जब हम फेस्टिवल कहेंगे तो कॉमन नाउन होगा, जब हम फेस्टिवल का नाम बताएंगे तो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जब हम सिटी कहेंगे तो कॉमन नाउन होगा, और जब हम सिटी का नाम बताएंगे तो प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही डे बोलेंगे तो कॉमन, और डे का नेम बताएंगे तो प्रॉपर, मंथ बोलेंगे तो कॉमन, और मंथ का नेम बताएंगे तो प्रॉपर। गॉट इट? आई होप आप सबको इससे क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं,
ओके बेटा। स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में क्या दिया गया है रीड करते हैं। प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स आर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। दे ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। अभी हमने देखा था ना, जो हमने ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो स्पेशल नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स दिए जाते हैं पीपल के नेम को, प्लेस के नेम को, एनिमल के नेम को और थिंग के नेम को, है ना। ये भी मैंने आपको बताया कि हमेशा जो प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको ऑलरेडी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ ईयर, नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड नेशनल डेज आर ऑल्सो प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स। ये भी हमने अभी देखा था कि जो हमारे डेज होते हैं वीक में, और जो हमारे मंथ्स होते हैं ईयर में, और जो हमारे फेस्टिवल या नेशनल डेज जिन्हें हम कहते हैं, वो जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। हमने फ्राइडे का एग्जाम्पल दिया, देखा था। यहाँ पर हमें बाकी बाकी एग्जाम्पल, बाकी नेम्स भी दिए गए हैं डेज के और मंथ्स के, है ना। सभी पढ़ लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये क्या है, डेज के नेम है। ओके, ये उसके बाद मंथ्स, मंथ्स के नेम देख लेते हैं। जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, उसके बाद हमें फेस्टिवल्स के नेम दिए गए हैं, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरपर्व, ओनम, पोंगल, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब क्या है बेटा, फेस्टिवल्स के नेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अब आपका क्या वर्क है बेटा, आपको इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। अगर आपको डेज और मंथ्स के नेम लर्न नहीं है तो आप ये डेज और मंथ्स के नेम्स याद करेंगे, यही आपका वर्क है। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।